झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र 9 नंबर में गोली चलने से मची सनसनी, छर्रे लगने से युवक हुआ है। कई बार पीड़ित ने की पुलिस स्टेशन की शिकायत, लेकिन पुलिस उस तक न पहुंच सकी, जिस कारण अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। हम कहाँ चले जाए यार, ये मुकदमा लिखाइए अपना। हम तो पहले लगा चुके, हम तो पहले लगा चुके। अरे सुनो, अरे सुनो, उसी पे लिख दे। हाँ लिख दो, आपकी जैसी मर्जी, हम सब। नहीं नहीं, उस पे फिर ये उसमें ये गोली थोड़ी ना है, आपकी जैसी मर्जी। हम मोहल्ले वाले देख रहे, सब जवाब देंगे। हमारे तो मोहल्ले वाले साहब जैसे कहते बताते। चलिए आप मोहल्ले वाले सब साहब तुरंत आए, 2 मिनट की निकल जाएगी। हमने मोहल्ले आए ना, तुम ये रहा जी बात और वो बात, उसे ढंग से बांध दे, डाल उनकी मम्मी को भी। मम्मी इधर आ, किसने मार दिया मम्मी को? लेकर जा साथ। हम तो किताब वाले कहां? ओए इधर आ, ओए का नाम, किसने मारी बता? किसने मारी? हमारी रवि कप्तान। चौकी पे कोई था? नहीं था, हमने फोन लगाया। चौकी बंद थी? हां। पुरानी रंजिश के चलती हुई ये घटना, रवि कप्तान और अमित उर्फ कुल्ली के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिस कारण ये घटना हुई। पुलिस अगर समय पर पहुंचती तो शायद ये घटना ना घटती। वहीं 9 नंबर चौकी पे ताला लगा हुआ था। ताला लगाते हैं? नहीं, कुछ चला रहे थे। नहीं, ताला लगाता थाने में। ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रात की घटना है, और उसमें कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को घुटने में चोट लगी और एक को छर्रे भी लगे हैं। उसमें रात से ही पुलिस ने लगातार दबिशों की कार्रवाई शुरू कर दी है, और दबिशें लगातार चल रही हैं, और नामजद FIR है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी हम अपने प्रयास से घटना में जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।